I remember a really fun city. I remember हम साइकिलों पे जहाँ जाना चाहते थे चले जाते थे. डिफेंस नहीं था, जमजमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस ज़माने में. हर जगह क्या कहते हैं रेती और मिट्टी होती थी और बड़ा अच्छा माहौल था. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल क्लीन रिजॉर्ट काइंड ऑफ अ सिटी. दुनिया जहाँ के क्रू आते थे, मुझे KLM के क्रूज़ याद हैं, मुझे पैनम याद है, मुझे क्या कहते हैं, मुझे एक बड़ा फ्री माहौल याद है, मुझे खुशियाँ याद हैं लोगों की. आपके पास बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स यहाँ हुआ करती थी. जन्माष्टमी आपके पास होती थी बड़े बड़े मंदिरों में. यू हैड एवरी फेस्टिवल पॉसिबल. वो जो नेटी जेटी का मंदिर है, मनोड़ा का मंदिर है, यू हैड क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीज, गुजरातीज, मारवाड़ीज, पारसीज, मैनी देयर आर ओवर 100 कम्युनिटीज दैट लिव हियर, यू नो, सराइकी, मैनी कम्युनिटीज. और एंड दैट्स व्हाट वाज द ब्यूटी ऑफ व्हाट कराची वाज. ठीक है ना, कि कहीं से ये वाला खाना आपको खाने को मिल रहा है, कहीं से वो दही बड़े मिल रहे हैं, कभी किसी दिल्ली सौदागर से कोई चीज़ आ रही है तो कभी क्लिफ्टन से. और मुझे तो वो बर्गर और बन कबाब वाला समाना भी याद है जब मिस्टर बर्गर आया था और हमने पहला बर्गर खाया और फिर पहला पिज्ज़ा आया किंग्स एंड क्वींस का, तो वो भी एक बड़ी बात थी. लाइनें लगी हुई होती थी किंग्स एंड क्वींस के बाहर, भाई पिज्ज़ा आ गया, पिज्ज़ा आ गया. कॉन्ट्रीब्यूशन सबकी होती है. अगर 100 कम्युनिटीज़ रह रही थीं तो सब ने कुछ ना कुछ किया होगा. मैं अभी कोठारी परेड पे शूट कर रहा था और वहाँ पर एक हिंदू जो डिप्टी कमिश्नर थे कराची के, उनका नाम लिखा हुआ था और वो जो पार्क है जिसको आप इब्ने कासिम कहते हैं वो उनके नाम पे, मैं नाम भूल गया हूँ एक्चुअली उनका. तो मैं समझता हूँ कल्चर डाइवर्सिटी जो है उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कोई इन्वेजन नहीं हुई, हमने कोई जंग नहीं की, हमने एक पार्टीशन की है. ठीक है, तो अगर पार्टीशन हुई तो बहुत ज़रूरी है लोगों को हिस्ट्री भी याद करवाना, और बहुत ज़रूरी है कि पुराने नाम होने चाहिए थे तो लोग उनको देख के क्वेश्चन कर सकें कि जी 30 साल के बाद, 4 साल, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद बच्चे अगर स्कूल में क्वेश्चन करें तो उनको बताया जाए कि जी इनकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी. बात उनको याद करने की नहीं है, बात अपनी जनरेशन को समझाने की है कि जी हाउ डिड वी कम दिस फार, हाउ डिड वी मूव फॉरवर्ड, ओके, एंड हाउ वी मस्ट स्टे ग्राउंडेड एंड हम्बल. This city has given everything to me. This city is me. It's my identity. It is what I am today, and I'm proud of it. Why shouldn't I be? If I wasn't Deepak Bhavani in Pakistan, and the only Deepak Bhavani in Pakistan, would I have been a Deepak Bhavani in India? There will be many Deepak Bhavanis in India. Thousands of them. I want everyone to be happy. I want more green spaces than this. Brick and mortar and its ugliness. I don't want, and not even one tree to be cut. I want 99% literacy and education. Okay, and I want to see everybody laugh and smile. I want this negativity to go away. I want this. I want my country to be happy, and its people to be happy. I think it's time.